सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन शाह अफरीदी को, हारिस रऊफ को आप बोल रहे हैं ड्रॉप कर दें। भाई ड्रॉप किस चीज का ड्रॉप कर दें? बात दरअसल ये है कि पिछले 5 साल से ये लोग खेल रहे हैं, जब भी टीम को जरूरत पड़ी है कभी इन्होंने टीम को नहीं जिताया, परफॉर्मेंस नहीं की। आप इनको भेजे डोमेस्टिक क्रिकेट में, अभी मैं देख रहा हूँ आजम खान कैरिबियन लीग में उनका मुआहिदा हो गया, साहिब अयूब का कैरिबियन लीग में मुआहिदा हो गया, बैन कर दें कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। बाबर आजम को, शाहीन आफरीदी को, रिजवान को आप बाहर बिठाइए, आप इन लोगों के साथ हार रहे हैं, आप नई टीम बनाइए। आपके एक मुल्क में आकर टीमें आपको हरा के जा रही हैं, बिल्कुल सही है। आपके साथ कोई सीरीज खेलता नहीं है, सी टीम आपसे खिलाते हैं, आपके मतलब आपकी टीम के मतलब एक्स प्लेयरों ने वो जो मार खाते रहे पाकिस्तान के खिलाफ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलना नुकसान है, लीग क्रिकेट को खेलें वो ज्यादा अच्छी तैयारी है। इससे ज्यादा इंसल्ट पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की नहीं हो सकती। पाकिस्तान का बच्चा ये बाबर आजम के लिए लाइक कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है, उसकी चीजों को शेयर कर रहा है, वो क्यों पिछले तीन सालों के बाद आज वो इस नेच में क्यों पहुंच गया कि वो ट्रोल कर रहा है बाबर को? क्यों नहीं कह रहा है कि ये किंग है? आपने ही कहलवाया ना, मीडिया ने कहलवाया ना, कौन लोग थे भाई वो? पीछे से कौन गेम चला रहा था? हम कह रहे थे कि ये टीम में रहने के रन है भाई, क्योंकि इनकी स्किल्स दुनिया की बाकी बैट्समैन की स्किल्स से नहीं मिलती। जो पॉलिसी मेकर है वो आज का है, जो म्यूजिकल चेयर हमने अपने चेयरमैनशिप के हवाले से दौड़ाई है पिछले दो सालों में, जिस तरीके से हमने चेयरमैनशिप को हमने बदला है और उसी के साथ कप्तानियां बदलती गई। बोल चुका हूं कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है भाई, देखो तकलीफ दे जुमला है, ये पसंद नापसंद की टीम है यार। बिल्कुल, आप अपने मुल्क से खेल रहे हो, मतलब क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप अपने मुल्क पे दोस्ती को फोकियत दे रहे हो, ये तकलीफ दे बात है। टीम बनाने की, टीम लेके चलने की, क्या उस कप्तानी के अंडर आपने प्लेयर्स डेवलप किए? आपने मजीद प्लेयर ख़राब किए, आपने प्लेयरों को ख़त्म किया अपने इशू की वजह से, आपने मिड ऑर्डर इतने खिला लिए, कोई कप्तान पांच ओपनर खिलाता है साइड में? मुझे एक बात बताएं, आपने क्या छोटी टीमों के खिलाफ बैंक स्ट्रेंथ तैयार की? आप नदरलैंड आप अपनी फुल साइड से छोटी टीमों छोटी के खिलाफ मेरी एक बात नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तानी टीम का सफ़र अब ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तानी टीम का आखिरी मैच आयरलैंड से कल होने वाला है, लेकिन जैसे ही USA और आयरलैंड के बीच मैच कैंसिल हो गया बारिश के कारण, तो USA सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया और पाकिस्तानी टीम अब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम की जमकर क्लास लगाई है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने सिलेक्शन कमेटी पर भी जमकर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी टीम में 6-6 ओपनर खेल रहे हों, मिडिल ऑर्डर का कोई नामो निशान नहीं हो, स्पिन बॉलिंग कुछ भी नहीं हो, और यही रीज़न है कि पाकिस्तानी टीम ने इस वर्ल्ड कप में बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर पाकिस्तानी टीम इस वर्ल्ड कप में बस खराब परफॉर्मेंस करती तो हो सकता है कि हम यह मान लेते कि यह एक फ्लूक है, लेकिन पाकिस्तानी टीम पिछले एक साल से बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रही है, जिसके कारण हम यह भी नहीं बोल सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम का बैड लक है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम पिछले एक साल से आयरलैंड, नीदरलैंड, अफगानिस्तान और USA जैसी टीमों से हार चुकी है। कुल मिलाकर अब पाकिस्तानी टीम का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो चुका है और पाकिस्तानी टीम ने अपनी USA से कराची की टिकट कटवा ली है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम की इस खराब परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है। हम एक अरसे से करते आ रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त जो है वो वेंटिलेटर पे है, डिक्लाइनिंग फेज में, लेकिन PCB के कानों पे जू नहीं रेंग रही थी। 4 साल से बाबर आजम कप्तान थे, मैं चले इस वर्ल्ड कप लाना दे ऐसे वर्ल्ड कप पे जिस पे मैं बात करूं, T20 वर्ल्ड कप पे बात नहीं कर रहा। 2019 में कप्तान बना है दिसंबर, ये 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला गया, आप आधे अधूरे खिलाड़ी ले गए थे अपने वहां पे, आप पता नहीं किस हारिस को ले गए थे वहां पे ट्रेवलिंग रिजर्व के अंदर, कमाल था। मतलब एक आदमी जिसको डोमेस्टिक का पता ही नहीं है, जिसने कभी ग्राउंड 5 घंटे खड़े होकर देखा ही नहीं है, उसको आप पाल रहे हैं। हारिस की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मोहम्मद हारिस और भी हारिस ने कौन सा 5 दिन का खेला है? मैं यही तो कह रहा हूं कि जिस कप्तान की एबिलिटी सिर्फ ये हो कि मेरी सराउंडिंग्स में मेरे वोट कितने हैं, ठीक है, और जो मुझे ग्रेट कितने कहते हैं, ठीक है, और जो मेरे रन्स पे कितने खुश होते हैं, बस
कहां इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 8 विकेटों से हारे, दफन तो वहीं हो गए थे आप, उसके बाद आपको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, खेलनी चाहिए थी। जबकि मैं तो उन पाकिस्तानियों में शामिल था जब नसीम शाह ने छक्के मारे थे, जब मैंने कहा था कि नोटिस लें भैया नसीम शाह की बारी क्यों आई, वो भी अफगानिस्तान पे जो आपके मुंह को आ रहा है आप मानते ही नहीं, दुनिया आपकी बजा रही थी क्रिकेट में और आप बजवा रहे थे, आप दुनिया के कमजोर लोग मार रहे थे, हम बता रहे थे आप मारे जा रहे थे, आप कमजोर रन के ऊपर तालियां बजा रहे थे। मोहसिन नकवी ने इनको सही पहचाना, उन्होंने कहा भाई वर्ल्ड कप जीत जाओ, पाकिस्तान से तो तुम्हें कोई मोहब्बत है नहीं, झंडे से तो तुम्हें कोई मोहब्बत है नहीं, $1,00,000 ले लेना, टूर्नामेंट जीत जाओ तुम। और उसको पता था कि यार इनको इतनी डॉलर की चाह है, इनको इतनी पौंड की चाह है, ये तो पसीना भी जो वो डॉलर से पौंड से पूछते हैं, इनको तो पैसे के अलावा कुछ नजर आता नहीं है, इसलिए उसने इतने सारे इनाम का ऐलान किया। दे रहे होते हैं लेकिन मौके पे आके उसी का गला कटता है, खुद बच जाते हैं क्योंकि क्रेडिट तो नहीं लेना, लेकिन कुर्बानी के बकरे आप सामने आएंगे, आपको बड़ी चीजें नजर आएंगी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो डिसीजन मेकर अगर आप छुप रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा प्रोसेस चला है ये दो चीजों को समराइज करता है, एक डील थी और एक ग्रीड थी, एक लालच थी कि हम लोग गलत तरीके से जीत जाएं। जब भी आप अनप्रोसेस वे में कुछ हासिल करना चाहेंगे आपको नाकामी होगी। आपने डील की, ग्रीड किया, कॉम्प्रोमाइज किया सिस्टम के ऊपर। सिस्टम में कोई भी बंदा अगर आप उठाते हैं ना, जैसे मोहम्मद अली है, वो एक शानदार परफॉर्मर है, डोमेस्टिक का प्लेयर है, उसको कभी मौका नहीं दिया, आज यही 8 प्लेयर आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन्हीं के अलावा आपको कोई दूसरी सोच नजर नहीं आ रही, बिकॉज वी नेवर ट्राइड समवन एल्स, वी नेवर गिवन इनफ अपॉर्चुनिटीज टू समवन एल्स। फिटनेस स्टैंडर्ड आज से 8 माह पहले यहां पे कॉम्प्रोमाइज किए गए। मैं जब 2 माह के लिए पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर बना, व्हेन आई नोटिस दिस थिंग आई रेज दैट पॉइंट दैट पाकिस्तान क्रिकेट हैज टू लुक आफ्टर देयर फिटनेस स्टैंडर्ड हैज टू बी देयर। मुझे सबसे ज्यादा बैशिंग की गई। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम की जमकर बैंड बजाई है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि इफ इन केस अगर हम चाहते हैं कि हम जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में होने वाली है अगर उसमें कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं तो हमें सीधे तौर पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को टीम से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर पिछले 5 साल से खेल रहे हैं और पाकिस्तानी टीम बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए अभी तक कोई भी विक्ट्री नहीं दी है। पाकिस्तानी टीम अभी भी T20 2007 के जमाने की खेल रही है। इसका मतलब है कि पावर प्ले में टुक टुक बैटिंग, इसके बाद लास्ट के 5 ओवर में तेज तर्रार बैटिंग। लेकिन अब T20 का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से चेंज हो गया है। पहले ओवर से ही प्लेयर मारना स्टार्ट कर देते हैं, वो अंत का वेट नहीं करते हैं। यही रीजन है कि पाकिस्तानी टीम बैटिंग पिच में भी 160 से ज्यादा का स्कोर नहीं बनाती है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि बाबर आजम को हम एक बार फिर से कप्तानी के रूप में लेकर आ गए हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि बाबर आजम ने आखिर क्या किया था कि हमने उन्हें एक बार फिर से कप्तान बना दिया है। हालांकि अब खबर निकल कर आ रही है कि इस वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है कि बाबर आजम की कप्तानी चली जाए और पाकिस्तानी टीम को एक नया कप्तान मिल सकता है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।